लगभग 10,000 वोटों से हम जीत रहे हैं वहाँ पे सिमडेगा में। एक बात बताइए, बीजेपी इतना बड़ा बड़ा दावा क्यों करती है भाई? जीतेगी वहाँ, हर वर्ग के लोग वोट देता है। कुमार जयमंगल जो है ना वो भ्रष्टाचारी है। काल का दिन जो है लव जिहाद, लैंड जिहाद, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, लोट खसोट, इसका अंत होने जा रहा है। बीजेपी की सरकार बनेगी झारखंड में, पक्का पक्का एकदम बनेगी। अगर नहीं बनी तो एकदम बनेगी। नमस्कार, आप जीएन भारत देख रहे हैं और हम आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब जो है गतिविधि जो है हलचल जो है राजनीतिक पार्टियों में बढ़ चली है, क्योंकि कल का दिन जो है बेहद ही खास दिन है। कल जो है रिजल्ट आने वाला है कि किसकी सरकार जो है झारखंड में बनने वाली है। इसको लेकर जो है हम बीजेपी कार्यालय के बाहर में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बीजेपी कार्यालय के बाहर यहाँ पर गतिविधि या गहमागहमी शुरू हो गई है। और ये भाजपा के कार्यकर्ता है और ये भाजपा कार्यकर्ता है और इनसे ही जुड़ेंगे, आप बात करेंगे। भैया नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम रविंद्र कुमार बड़ाई। कहाँ से आए हैं जी? सिमडेगा से। सिमडेगा जी, तो सिमडेगा में क्या आपका देखते हैं कि कौन मतलब आपकी पार्टी लीड कर रही है? जी बिल्कुल, हमारी पार्टी 100% जीत रही है। लगभग 10,000 वोटों से हम जीत रहे हैं वहाँ पे सिमडेगा में। सिमडेगा में जी जी। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, ये हाथ में जो है ये क्या लेके रखे? ये कंबल है, चूँकि हम लोगों ने साल भर समय दिया था अपने क्षेत्र में, इसलिए संगठन तरफ हमें कंबल दिया गया है। मतलब संगठन की तरफ से एक तरह का गिफ्ट हो गया। जी जी गिफ्ट है, चूँकि हम लोगों ने साल भर समय दिया है इसलिए। तो पार्टी के लिए आपने क्या कुछ किया है? क्योंकि पार्टी के लिए एक जो कार्यकर्ता है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पार्टीकर्ताओं को वो सम्मान मिला? जी बिल्कुल मिला है, और हम लोग विस्तारक के रूप में बहुत जगह हम लोगों ने काम करने का मौका मिला, और अभी सिमडेगा हमारा गृह क्षेत्र है तो फिर हमारा तो यहाँ हम लोग 100% जीत रहे हैं वहाँ पे। एकदम जीत रहे हैं जी जी, जीत कदम भर रहे हैं जी जी। आपका क्या नाम हुआ? दीप सिन्हा, हजारीबाग। हजारीबाग, हजारीबाग में क्या देखते हैं? हजारीबाग में बीजेपी 20-25,000 वोट से जीते। एक बात बताइए, बीजेपी इतना बड़ा बड़ा दावा क्यों करती है भाई? नहीं, जीतेगी वहाँ, हर वर्ग के लोग वोट देता है। पिछले बार भी 400 पार का नारा आप लोग दे दिए थे, 400 पार। हजारीबाग से बीजेपी जीतेगा, हजारीबाग तो मेन गढ़ है। नहीं नहीं, बीजेपी अगर जीतता है तो ठीक है, लेकिन आप लोग जो बड़े बड़े जो जीत के दावे करते हैं ना। नहीं नहीं, जीत होगा, हर घर से वोट मिलता है ना, बीजेपी घर 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 से वोट है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है। हाँ जी जी, आपका नाम? मेरा नाम संजय हुआ। वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है ये, तो जीत के दावे तो करेगी, क्योंकि आप हमारे जनता पर ज़्यादा पकड़ है, तो बट नेचर है कि हम दावा ज़्यादा ही करेंगे। आप कहाँ से? हम बिहार से बिलोंग करते हैं, छपरा। अच्छा, बिहार से? हाँ। झारखंड को किस तरह से देखते हैं? पहले तो ये मैं बिहार में ही हुआ करता था ना, तो झारखंड की भी अपने भाई की तरह देखते हैं हम इसको। अच्छा हाँ, मतलब बीजेपी वहाँ पर भी एकदम मतलब डबल इंजन। तो हमारे यहाँ तो सरकार है ही, हमारे बिहार में तो बीजेपी की सरकार है और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस में है हमारे यहाँ, काफ़ी डेवलप का काम हो रहा है वहाँ। ये पता लगाने के लिए आए हैं कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बने? हमारी भी यही कोशिश है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार बने और यहाँ विकास हो। जो यहाँ विकास अवरुद्ध है, जो बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ी हुई है, जो नौजवान बेरोजगार हुए हुए हैं, उनको कम से कम एक गति मिले, वो मतलब कम से कम आगे बढ़े, यही हमारी कामना और क्या। चलिए, बहुत शुभकामना आपको। धन्यवाद। ठीक है, देखिए और भी लोग हैं, कार्यकर्ता है यहाँ पर आए हुए हैं और हाथ में जो है कंबल ले लेके जा रहे हैं। क्या भाई साहब, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्या बात है जी? हाथ में कंबल है जी। आज हम लोग का विस्तारक का समीक्षा बैठक था, उसमें हमारे संगठन महामंत्री की ओर से ये सम्मान स्वरूप दिया गया। आप कहाँ से? मैं नाला विधानसभा से हूँ और मैं प्रवास के दौरान बेरमो विधानसभा में काम किया था। बेरमो में तो और क्या बोले हैं कि अब भाई जेल के और कांग्रेस का ये है, बीजेपी तो है ही नहीं एकदम। इसमें बेरमो विधानसभा में त्रिकोण सिंह कर रहा था। अच्छा। और इस बार बीजेपी से रविंद्र कुमार पांडे भारी से भारी मतों से जीतेंगे। रविंद्र कुमार पांडे 5 बार के पूर्व सांसद से गिरिडीह लोकसभा से। देखिए वहाँ पर तो दिग्गज नेता है आप, तो जैसे कुमार जयमंगल हैं और उसके बाद जयराम महतो है, फिर भी आप दावा इतना? एकदम, कुमार जयमंगल जो है ना वो भ्रष्टाचारी है, सब उसके ऊपर सभी कार्यकर्ता नाखुश थे, उनके अपने जो समर्थक थे कांग्रेस के वो भी नाखुश थे। अच्छा। इसीलिए अभी इस बार बेरमो के जनता जवाब देंगे। जनता जवाब देगी, चलिए जनता जवाब देगी ये बोल रहे हैं।
अब देखते हैं कैसे जवाब देते। आप कहाँ से आए हैं? नमस्ते। कहाँ? नाला विधानसभा घर है। क्या नाम हुआ आपका? उज्जवल कांति घोड़े, महेशपुर विधानसभा विस्तारक थे। महेशपुर? जी जी। अच्छा, महेशपुर में क्या आप देखते हैं पूरी तरह से? में एकदम जीत होगा। जीत होगा पक्का? एकदम पक्का। महेशपुर से जो है बीजेपी भी है और गठबंधन भी है, जेएमएम भी है। जेएमएम भी है, तो क्या लगता है कि जेएमएम भी जो है वहाँ पर तो मजबूत है ही? जेएमएम मजबूत है, लेकिन एक बार बीजेपी का एकदम जीत होगा। जीत होगा, एकदम जीत होगा। अच्छा, महेशपुर बंगाल बॉर्डर है क्या? हाँ, बंगाल बॉर्डर है महेशपुर। अच्छा, इसलिए आप लोग बंगाली थोड़ा सा? हाँ, बंगाली आता है। हाँ जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुबल चंद्र सिंह हुआ। कंबल मिल गया? हाँ, सबको मिल गया। कंबल मिल गया? कंबल मिल गया। तो कंबल लेके तुम जा रहे हैं? एकदम एकदम। वाह वाह, एक संदेश लेके जा रहे हैं हम लोग, जो संदेश दिए हैं। अच्छा, बीजेपी कंबल ही क्यों बांटे? मतलब कुछ ठंडा है? ठंडा के लिए। अच्छा, ठंडा? जी जी, ठंडा मतलब गर्मी लाने के लिए। गर्मी लाने के लिए। अच्छा। क्योंकि गर्मी तो है ही है। हाँ। चुनाव का गर्मी ठंडा का गर्मी को फेल कर रहा है, इसलिए चुनाव का गर्मी जो है तंदुरुस्त के साथ हम लोग है। मतलब और भी गर्मी पैदा? और भी गर्मी पैदा। कल का दिन क्या देखते हैं? जश्न जश्न है, जश्न जश्न है। कल का दिन जो है लव जिहाद, लैंड जिहाद, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, लोट खसोट, इसका अंत होने जा रहा है। एकदम अंत? एकदम अंत होगा। अब बड़ी बात, अब जो है हमारे झारखंड जो है स्वस्थ झारखंड, स्वच्छ झारखंड, बेटी माटी रोटी की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रहे हैं, और प्रचंड बहुमत के साथ। प्रचंड बहुमत? जी। देखिए, ये कार्यकर्ता है और प्रचंड बहुमत के साथ जो है वो कह रहे हैं कि सरकार बनेगी। और यहाँ पर जो है जी, आप कहाँ से हैं? हम गोला से हैं, रामगढ़ जिला। गोला, रामगढ़। अच्छा, रामगढ़ आसू जी, जी है ना? हाँ। तो क्या लगता है, ठीक है? हम लोग वहाँ अच्छे मार्जिन से हम लोग जीत रहे हैं। सुनीता चौधरी से हम लोग विधायक बनने जा रही है। अच्छा, रामगढ़ में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है ममता देवी, कहीं ना कहीं ये सिंपैथी जो है कहीं ना कहीं उनको मिलता हुआ दिख रहा है। हमने चुनाव सर्वे किया, कहीं ना कहीं ये पता लगाने की कोशिश की कि सिंपैथी जो वोट उनको मिलेगा, ऐसा महसूस होता है, क्या कहें? एक बार 2019 में उनका सिंपैथी का वोट मिला था कि मेरा पति हमको जेल भेज दिया है, तो हम लोग आंसू के कार्यकर्ता लोग बहुत हम लोग ये किया था। लेकिन इस बार उस जमाना अब लद गया है, बार बार आप ये आंसू का घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और जनता मन मना ली है, जो काम किया है उसी को वोट करेंगे। और भाजपा और आंसू का गठबंधन अटूट गठबंधन हम लोग रहा, और पूरा कार्यकर्ता पूरा जनता लोग भरपूर समर्थन किया है कि राज्य में झारखंड में अमन चैन की सरकार बने और एनडीए सरकार बने। तो बीजेपी के वहाँ क्या जिलाध्यक्ष है आप, या तो फिर? हम गोला मंडल का महामंत्री हुए। अच्छा, तो गोला से कितने लोग आए थे? गोला से हम लोग लगभग 10 आदमी लोग आए हैं। कंबल मिल गया? नहीं नहीं, हम लोग उस श्रेणी में नहीं आते हैं। कंबल नहीं नहीं नहीं, ये विस्तारक लोग को जो सेवा किए हैं रामगढ़ विधानसभा के लिए, उसके लिए कंबल का वितरण किया जा रहा है। तो आप लोग संगठन का महामंत्री है, तो आप लोग का मन नहीं करता होगा? नहीं नहीं नहीं, हम लोग बांटने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। वो आप लोग बांटने वाले हैं? अच्छा, लेने वाले नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो और भी लोग हैं जी, नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। कहाँ से हैं? गोला से। गोला ही से, ठीक है। तो गोला में गोल घूम रहा है वहाँ? एकदम घूम रहा है, एकदम बीजेपी ही आएगा। एकदम गठबंधन? एकदम गठबंधन आएगा। और कांग्रेस को एकदम पूरा छोड़ देना? कांग्रेस इस बार साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरे। ओवरऑल झारखंड में क्या देखते हैं? ओवरऑल झारखंड में पूरा झारखंड इस बार बीजेपी का सरकार बनेगी, निश्चित पक्का बनेगी। आप लोग तो हवा हवाई देते हैं, 400 पार का नारा देते हैं, ये नारा देते हैं हमारा। इस बार आप देखिएगा बीजेपी की सरकार बनेगी झारखंड में, पक्का एकदम बनेगी। अगर नहीं बनी तो? एकदम बनेगी, एकदम मिलिए, मेरे से मिलिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मिलिए, कल ही पता लग जाएगा, कल ही पता चलेगा। हाँ, उसके बाद आपका नाम बता दीजिए। विकास कुमार। विकास, देखिए ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये विस्तारक जो बैठक हुई थी यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंबल जो है ये गिफ्ट स्वरूप इन्हें मिले, एक उत्साहवर्धन जो है ये पार्टी के द्वारा किया गया है। कहीं ना कहीं पार्टी के द्वारा, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है जिस तरह से पार्टी को सींचने का काम किया गया, और चुनाव में जिस तरह से मजबूती के साथ उनका एक उत्साहवर्धन काम किया, तो इन्हें एक कंबल स्वरूप जो है गिफ्ट दिया गया है।
तो इस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता जो है यहाँ से जा रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, और अपने क्षेत्र से जिस तरह से आए और यहाँ पर जो है पार्टी के द्वारा उनको एक उत्साह किया गया, तो ये उत्साहित है और जीत का बड़ा दावा भी कर रहे हैं। तो पार्टी कार्यकर्ताओं से जो है रांची के ये जो प्रदेश कार्यालय है इसके सामने से हमने बात किया, ये जानने का प्रयास किया कि भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा पार्टी जो है इस जीत को लेकर कितनी सुनिश्चित है। तो इस तरफ से साफ हो गया कि बीजेपी जो है जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, जिस दावे में कितनी ये सच्चाई सामने आती है तो ये कल का दिन जो है वो तय होगा। तो राजधानी रांची के भाजपा कार्यालय से जीएन भारत के लिए मैं मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।